नगर विकास न्यास प्रशासन ने वर्ष 2021-22 के लिए 1,115 करोड़ 70 लाख रुपए का बजट तैयार किया है, जबकि 2020-21 के प्रस्तावित बजट 959 करोड़ 71 लाख रुपए की आय प्राप्त कर सके, ना ही 948 करोड़ 77 लाख रुपए खर्च कर सके, क्योंकि इस समय शहर में करोड़ों रुपए के विकास कार्य चल रहे हैं। इसी प्रकार से कई नए भूखंडों व कॉलोनियों का विस्तार किया जा रहा है, जिससे विभाग को आय व्यय होने की पूरी संभावना है। बजट में नगर विकास न्यास ने अमृत योजना स्वीकृत आवासों का निर्माण, मुख्यमंत्री जन आवास योजना के अंतर्गत आवासों का निर्माण, देवनारायण पशुपालक आवासीय योजना NMCG चंबल रिवर फ्रंट डेवलपमेंट टाउनशिप में सिटी पार्क का निर्माण, बाहरे रोड पर एलिवेटेड का निर्माण, महाराणा प्रताप सर्किल कुन्हाड़ी चौराहे का विकास कार्य, आनंदपुरा चौराहे का विकास कार्य, हाट बाजार शंभूपुरा योजना का विकास कार्य शामिल है। हालांकि सभी कार्य भी अपनी गति पकड़ चुके हैं, जिनका अनुमोदन अब नगर विकास न्यास ने बजट बैठक में करवाया है। नगर विकास न्यास के सचिव राजेश जोशी का कहना है कि जिस प्रकार से मंत्री शांति धारीवाल के निर्देशन में शहर के विकास कार्य करवाए जा रहे हैं और आय प्राप्त करने की योजना पर काम चल रहा है, उससे प्रस्तावित बजट के अनुसार आय भी होगी और खर्च भी किया जाएगा।